यार छोटे मीशो का पार्सल आ जाता ना तो वीडियो शूट कर लेती तुम्हें क्या लगता आ गया चलो देखते हैं हां अदिति ये पक्का मीशो का पार्सल होगा यार बहुत ही अमेजिंग क्राफ्ट प्रोडक्ट्स मंगाए ओ गॉड oh दिस इज मीशो का पार्सल लेट्स गो आई एम सुपर एक्साइटेड टू अनबॉक्स हे क्यूटيز दिस इज अदिति वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट क्राफ्ट

चलो आप साथ में बनाते हैं तो मैंने टोटल फाइव प्रोडक्ट्स मंगाए हैं बट हमारे पास सिर्फ चार बॉक्स है शायद एक में दो प्रोडक्ट होगा चलो एक से स्टार्ट करें इससे शुरू करते हैं तो मैंने प्रोडक्ट्स टैग कर दिए है यू कैन क्लिक ऑन टैग्ड प्रोडक्ट्स टू परचेज तो अलग सा। तो ये है है टेप टेप बड़ी कोई ऐसा-वैसा नहीं है। हाँ, हाँ, मुझे पता हमने बहुत सारे टेप यूज किए हैं जैसे कि टेप, टेप, बट टेप, 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 है। ये टेप सबसे अलग है बिकॉज दिस इज फैब्रिक टेप एंड ये वैसा टेप नहीं है यार की इसमें कुछ भी चिपकने वाला वो ऐसा कुछ नहीं है तो बस क्या है तो ये दोनों साइड से एकदम फैब्रिक की तरह ही है तो ये पता है क्यों यूज होता है जैसे हमारी ना जीन्स थोड़ी सी लंबी होती है या स्लीव लंबे होते हैं या कुछ होता है तो उन्हें हमें स्टिच करवाने की जरूरत नहीं है ऑल्टर करवाने की जरूरत नहीं है ये ऑल्टरेशन टेप है मतलब हम बस कपड़े को घुमाएंगे टेप लगा देंगे बीच में और आयन कर देंगे एंड दैट्स इट बट हाँ वो परमानेंट नहीं होता है आप जब तक इसको वॉश नहीं करोगे तब तक ये वहां पर टिका रहेगा ऐसे ही जैसा फोल्ड है वैसा फोल्ड रहेगा चलो एक बार ट्राई करते हैं सो ये है मेरी पुरानी टी शर्ट जो कि फर्स्ट वॉश में ही खराब हो गई थी बिकॉज इसमें ब्लैक प्रिंट है और वॉशिंग मशीन में डालता सही जुम्मन करके पूरे कपड़े में ब्लैक ब्लैक हो गया तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना पहले कुछ रफ चीज से स्टार्ट करते हैं देखते हैं कितना काम करता है ये टेप अभी एकदम थोड़ा सा पोर्शन ट्राई करेंगे तो मैं स्लीव्स में ट्राई कर रही हूँ वो भी पूरी स्लीव नहीं बस थोड़ा सा तो एक तरह से हमें सैंडविच प्रोसेस यूज करना और फटाक से आयन कर देना है लेट सी द रिजल्ट ओ माई गॉड सच में ओ गॉड क्या बात है तो बढ़िया ऑल्टर हो गया चलो फाइनली कहीं तो स्टिच करने समय बची चलो यार एक चीज तो इतनी ज्यादा काम की है देखते हैं और कितनी काम की चीजें हैं हमारे पास लेट्स मूव टू सेकंड प्रोडक्ट सो नेक्स्ट बारी इस डब्बे की वैसे तो आप इसकी बहन को मेरे चैनल में ऑलरेडी देख चुके हो उसका डब्बा ऑलमोस्ट खाली हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया डब्बा मंगा लिया जाए समझ रहे हो तो डब्बे के साथ ही हमें मिला है इलास्टिक कॉर्ड और एक हेयर बैंड का बेस और ये मैनुअल जिसमें आपको बहुत सारे डिजाइन हो और फाइनली हमारा डब्बा आई है बीट्स देखते से ही मजा आ गया सो नेक्स्ट इज दिस क्यूट बीट बॉक्स भाई साहब मेरे पास फिर से इतने सारे बीट आ गए अब मैं फिर एकदम तो फंकी फंकी चीजें बनाऊंगी बट फिलहाल अभी के लिए हम बनाएंगे एक छोटू सा ब्रेसलेट तो सबसे पहले हमें चाहिए लॉबस्टर हुक इलास्टिक बैंड के लास्ट में लॉबस्टर हुक अटैच कर देंगे और उसके बाद वन बाय वन अपने मन पसंदीदा बीट्स को इंसर्ट करेंगे ये सब बीट्स तो है, वो फ्लार वाली करना। देख रहा हूँ मेरी छोटी की चॉइस एकदम सेम है मतलब मैं खुद ही वेट कर रही थी कि फ्लावर वाली बीट्स कब इंसर्ट करूं फिर वापस से सेम से बीट्स रिपीट करेंगे और उसके बाद दूसरा एंड में जम्परिंग अटैच कर देंगे बस यार इतना सही तो करना था और हमारा ब्रेसलेट एकदम रेडी हो गया आओ चलो एक बार पहन के देखते हैं अरे रुको एक चाम तो बनता है तो ये स्टार वाला चाम हैंग कर लेते हैं एंड नाउ दिस लुक

एक बार फिर से बहुत सारे ओके सो फर्स्ट हमारे पास ये क्यूट ओवल बीच इसके यू नो ब्रेसलेट और नेक पीस बहुत ही क्यूट लगते हैं बहुत ही एलिगेंट लगते हैं और ये पांच कलर बहुत ही ज्यादा मुझे अट्रैक्ट किए एकदम पेस्टल दे रहे थे और अब इससे भी हम एक कुछ क्रिएट करेंगे छोटू सा फॉर uh, एग्जाम्पल अभी इससे हमने ब्रेसलेट तो बना लिया है तो अब इससे क्या बना नेक पीस बना लेते हैं एकदम प्लेन एकदम सिंपल सोबर सी बनाएंगे जो कि इस टॉप के साथ ठीक ठीक बैठे नेक हग कर लेक हग <laughs> यार ये वाली बीट्स को ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट वाइब आ रही है तो क्या करना है बस सेम प्रोसेस रिपीट करना है एक एंड में हुक अटैच करके बीट्स वन बाय वन इंसर्ट करेंगे और दूसरे एंड में जंपरिंग अटैच कर देंगे लो इट्स रेडी चढ़ा एकदम सिंपल एकदम कलरफुल और एकदम बबल गम वाइब अब मैंने सही वर्ड पकड़ा बबल गम ये देखो सो ब्यूटिफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक वांग और साथ ही में हमारे पास ये बहुत सारे फंकी बटन तो इसपे मेरी नजरें बहुत टाइम से थी क्योंकि मुझे वुडन बटन चाहिए और इतनी क्यूट बटन्स है और इतनी क्यूट है। आओ एक है देखते हैं फिर इसको भी यूज करते हैं यार सारी क्यूट बटन्स एक देख लिया ना कितने क्यूट है तो अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना जो मैं अभी पहनी हूँ इसी में एक छोटी सी यहाँ पे बटरफ्लाई लगा है बहुत से आप सबकी फेवरेट बटरफ्लाई है वो भी पर्पल आउटफिट में मेरे बेटी आपको तो मजा आ गया होगा ना मुझे भी मजा आ जाएगा जैसे यहाँ पे बटरफ्लाई लग जाएगी तो बहुत ही मजा आ जाएगा तो चलो फटाफट से लगा लेते हैं बढ़िया हमारे पास बटरफ्लाई तो येलो कलर की बट एनी वेज यार पर्पल और येलो का तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है और ये वाले बटन स्टक करना तो बहुत ही ईजी होता है एक तरफ से नीडल को पुल करो और दूसरी तरफ इंसर्ट लो यार ये तो एक मिनट का काम था दिस सुपर प्रीटी क्या मजेदार चीज है यार मतलब इसको तो हम पेपर में भी यूज कर सकते हैं एज अ डेकोरेटिव इसकी कोई ज्वेलरी भी बना सकते हैं इसको mm, फैब्रिक में तो फॉर श्योर यूज कर सकते हैं मतलब मल्टीपल वेज है तो so, यार वीडियो अभी खत्म नहीं होती है अभी एक और लास्ट में हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सब प्रोडक्ट है सो so, ये रहा लास्ट डब्बा मजेदार है मजेदार है चलो लेट सी क्यों सस्पेंस वर्थ द वेट था ना ये है सिक्स स्टाइल सिक्स लीनियर पेन आर नॉट स्केच पेन अगर आप सोच रहे स्केच पेन है तो ये बिल्कुल स्केच पेन नहीं है बट ये है बॉर्डर जैसे बॉर्डर डेकोरेट करना है या फिर आ, एक लाइन खत्म हो गई दूसरी लाइन के बीच में आपको कुछ थोड़ी सी स्पेस या बाइफर्केशन चाहिए तो उसमें यूज कर सकते हो सो so, भाई This is fantastic. ये सिक्स है ना सबकी मैं टू टू लाइन ड्रॉ करूंगी अभी तो फिलहाल आपको बहुत दूर से दिख रहा होगा बट इसका मैं क्लोज ऑफ शॉट भी दूंगी जिसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा की यार क्या गजब की बॉर्डर लाइन है और तो और ये कुछ ज्यादा ही है है मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे की पूरे पेपर में बस रोल करती जाऊँ देख रहे हो क्या सही चीज है तो चलो अब इसको कुछ फन चीज में ट्राई करते हैं तो डू यू रिमेम्बर हमने जर्नल बनाया था हमने वॉशी टेप बनाया था हमने स्क्रैप बुक कवर बनाया था राइट याद होगा ये वाला हाँ याद होगा आपको फॉर श्योर याद होगा नहीं याद है तो जाके पुरानी वीडियो में देख लो ना हाउ टू मेक वॉशी वाशी वो वाली वीडियो में ही आपको मिल जाएगा तो हमने ये फ्रंट पेज डेकोरेट किया था स्क्रैप बुक का एज अ जर्नल और चलो यार इसी में से कुछ यूज करते हैं और बॉर्डर क्रिएट करते हैं मतलब इट्स जस्ट अ फाइन इट्स जस्ट अ ट्राई मैं कोई सीरियस नहीं हूँ कि मुझे एकदम स्मूथ बॉर्डर चाहिए ऐसा कुछ नहीं है मैं इसमें ट्राई कर रही हूँ बस अब देख ही रहे हो तो एक बार इसका भी ग्लिम्स ले ही लेते हैं तो हमने ये सारे डिजाइनर पेपर्स बनाए थे वॉशी टेप्स बनाए थे और ये ड्राइंग्स मैंने बहुत पहले बनाए थे फ्री टाइम पे और ये देखो क्यूट पावर पफ गर्ल्स तो चलो जल्दी से कमेंट में बता दो आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है ओके okay, तो ये वाला पैटर्न पेपर ले लिया है मैंने आई डोंट नो इसमें चलेगा की नहीं बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बस बॉर्डर ही करूंगी चल तो रहा है बट इट इज नॉट वेरी विजिबल आपको दिख भी रहा है क्या हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना दिख तो रहा है येलो वाले में प्लेन डॉटेड यार इसमें नहीं दिख रहा है यार इसमें कुछ खास मजा नहीं आया एक्चुअली कलर ब्राइट है कि दिख ही नहीं रहा है एक काम करते हैं ये लेमन वाले में करते हैं हाँ ये लेमन वाला बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज इसका बॉर्डर एकदम प्लेन है और चारों बॉर्डर में मैं एक एक डिजाइन करूंगी तो ये रोल होना स्टार्ट हो गया और इस बार आपको डिजाइन अच्छे से विजिबल होगी और काफी ज्यादा वाइब्रेंट भी है बिकॉज बैकग्राउंड व्हाइट है और इसमें सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है ये देखो थर्ड साइड कर रही हूँ और तीनों अभी तक काफी भरे भरे डिजाइन थे बट लास्ट वाला हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा रोल बचा है तो ये डॉटेड वाली है अब बढ़िया दिख रहा होगा आप लोगों को है ना देखो अब बॉर्डर्स कितने क्लियर विजिबल है तो मैंने यहाँ पे चार डिफरेंट डिजाइन यूज किए हैं टू शो यू कितना सही चीज है यार ये भाई फन टोटल फन तो ये रहे आज के पांच प्रोडक्ट्स यू कैन क्लिक ऑन द टैग प्रोडक्ट ऑप्शन टू देम दे लुक सुपर क्राफ्टी गाइस ये प्रोडक्ट्स तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और मुझे सबसे अच्छा लगा लास्ट वाली पेन आप भी जल्दी से कमेंट में बता दो कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा वैल मीशो में सिर्फ यही नहीं बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो फटाफट से चेक करो और अपने लिए भी बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स बाय करो और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या मीशो का कि लोकल मार्केट से खरीदो या फिर किसी और अदर वेबसाइट से खरीदो तो उससे ना इनके रेट्स बहुत ही सस्ते और बहुत ही रीजनेबल हैं तो आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो किसी के लिए कॉस्टली नहीं यार किसी के लिए भी नहीं और मुझे मैं भी कभी कभी शॉक हो जाती हूँ वह शिट ये यहां पे इतने का मिल रहा है तो भाई साहब जल्दी से जाओ मीशो से परचेज करो क्राफ्ट प्रोडक्ट्स भर भर के मतलब अगर थाउजेंड रुपीज भी आप निकाल के जा रहे हो ना तो बढ़िया शॉपिंग हो जाएगी तो जाओ जल्दी से अमेजिंग चीज परचेज करके कुछ बढ़िया बढ़िया बनाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो और फीचर हो जाओ सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा इससे पहले ये बन खुल जाए इतना हिल रहा है वीडियो एंड करते हैं <laughs> तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करते हुए जाओ क्योंकि इस चैनल में बहुत ही अमेजिंग क्राफ्ट Vlogs and whatnot, सब कुछ देखने को मिलता है सो so, भाई साहब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन नहीं दबाए तो फटाफट से दबा लो ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना करो तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक ली बाय सी डू टेक वेरी गुड केयर ऑफिस